20 और आज हम लोग एक घंटे की गेमिंग करेंगे इस पे, बताऊंगा कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। जल्दी से आप लोग बॉक्स खोलते हैं। ये रहा फोन, वैसे सारी स्पेसिफिकेशन आपको यहीं पे मिल जाती है, तो अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है मेन चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। हीलियो G85 है, 5000 mAh बैटरी और 18 वॉट का फास्ट चार्जर और टाइप सी केबल भी है। सिर्फ 10,000 में आपको IP53 की रेटिंग दी है। वाटर टेस्ट भी करेंगे तो उसको भी जाके चेकआउट करना। और इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा सिमिलर है। बैटरी 94% है, ब्राइटनेस हमने फुल कर दी, सारे रिसेंट ऐप क्लियर है। पबजी ओपन करने से पहले थोड़ा सा गेमबेंच के बारे में बात कर लेते हैं। 427 का स्कोर है सिंगल, वो भी जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, और मल्टीकोर में 1447 और ये सीपीयू थ्रॉटलिंग जो कि पूरा हरा है, जरा भी कहीं पे थ्रॉटल नहीं किया फोन। बीजीएमआई खोलते हैं, 1 2 3 37 सेकंड्स में BGMI ऑन कर दिया इस फोन ने। ग्राफिक सेटिंग्स स्मूथ पे अल्ट्रा है और HD पे हाई भी है, जो कि 10,000 के फोन्स काफी टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे स्मूथ पे अल्ट्रा खेलेंगे आधा घंटा, देखते हैं कितना FPS आता है। तो गेम स्टार्ट कर लिया और टाइमर भी। दोस्तों जायरो देख सकते हो, थोड़ा सा डिले है, मतलब जायरो दिया इस रेंज में काफी बड़ी बात है वो, बट अगर आप गेमिंग करोगे तो जायरो आपको ऑफ करना पड़ जाएगा। लगातार 40 FPS आ रहा है, थोड़ा और स्मूथ हो सकता था, उतना स्मूथ मुझे नहीं फील हो रहा है। गेम थोड़ा सा और स्मूथ होना चाहिए था, जैसे मैं परफॉर्मेंस अभी तक से एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छी निकाल के दिया। हल्का फुल्का लैग देखने को मिला, 34 FPS तक गया ये फोन। एक TDM कंप्लीट हो गया, एक और खेलते हैं जल्दी से। और ये जो वायर मैंने लगा रखी है ये FPS के लिए है, चार्जिंग नहीं हो रहा है इससे। काफी स्मूथ गेमिंग हो रही है। इसकी जो डिस्प्ले है वो LCD 90 FPS है, तो LCD के कारण आप देख सकते हो मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो हल्का सा कलर जो है शिफ्ट कर रहा है और ब्राइटनेस तो शिफ्ट हो ही रही है। हल्का हल्का कैमरे के पास हीटिंग फील हो रही है अभी। एक बार जरा HD पे हाई पे डेथ मैच लगा लेते हैं, देखते कितना FPS आता है। क्वालिटी इंप्रूव हुई काफी और FPS देख सकते हो 13 मिनिमम गया, थोड़ा ज्यादा लैग कर रहा है फोन। देखते हैं HD पे हाई पे जायरो कैसे चल रहा है। जायरो पहले से ज्यादा और स्लो हो गया। पंद्रह मिनट की गेमिंग कंप्लीट हो चुकी है, बैटरी हो गई 89%। टेम्परेचर की बात करो तो हाईएस्ट टेम्परेचर 30 तक गया है। ग्रिप एंड फील काफी ज्यादा अच्छा है फोन का, थोड़ा कैमरा बम फील होता है वैसे। स्पीकर्स की बात करो तो वो भी काफी ज्यादा लाउड है। अभी तक का गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, थोड़ा हीटिंग यहाँ पे फील हो रही थी। स्मूथ पे अल्ट्रा पे गेमिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई, बट जब मैंने TDM में HD पे हाई किया तो कलर्स काफी ज्यादा अच्छे हो गए, क्वालिटी काफी इंक्रीज हुई, बट उसी के साथ थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स भी होने लगे थे। लोएस्ट चला गया था 11 FPS और नॉर्मल जो है 30 के आसपास आ रहा था। तो इरेंगल में खेल रहा हूँ स्मूथ पे अभी अल्ट्रा पे, फिर HD पे पे आधे घंटे पे करूंगा। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, अब जो है जल्दी से बैटरी और टेम्परेचर देखते हैं। बैटरी जा चुकी है 84% और नीचे देख सकते हो आप 29 के आसपास टेम्परेचर है। हम लोग स्मूथ पे अल्ट्रा पे खेल रहे थे और 40 FPS के आसपास आ रहा था इरेंगल में। एनिमी सामने आ जा रहा था उस टाइम पे 35 तक ड्रॉप कर जा रहा था FPS, बट इरेंगल में इसने TDM से थोड़ा अच्छा चलाया। अब जो है हम लोग HD पे हाई पे खेलेंगे। दोस्तों देख सकते हो कितना ज्यादा जिटर कर रहा है। इसी के साथ एक घंटा कंप्लीट हो चुका है गेमिंग का। अब बैटरी और टेम्परेचर देखते हैं, फिर सारी चीजें आपको डिटेल में बताता हूँ। बैटरी हो चुकी है 78% यहाँ पर और टेम्परेचर की बात करूँ 30 के आसपास, और नीचे अगर मैं जाऊँ तो 28-27 तक चला गया। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो TDM और इरेंगल दोनों में स्मूथ पे अल्ट्रा पे सेम FPS आ रहा था 40 के आसपास, और HD पे हाई पे 30 के आसपास था। मिनिमम FPS स्मूथ पे अल्ट्रा पे 35 के आसपास गया और HD पे हाई पे 15 तक चला गया था। तो अगर आपको गेमिंग करना है दोस्तों तो इस पे जो है आपको स्मूथ पे अल्ट्रा पे खेलना होगा, HD पे हाई पे आप गेम प्ले नहीं कर पाओगे। बात करो अगर मैं बिल्ड एंड डिजाइन की तो वो काफी अच्छा था, थोड़ा कैमरा दिक्कत दिया, बट जब आप गेम में घुस जाओगे तो उस टाइम उतना फील नहीं होगा। एक छोटी सी दिक्कत के बारे में बात करना चाहूंगा, इसका जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा कम है, तो मुझे आंख गड़ा के एकदम गेमिंग करनी पड़ रही थी। अब बात करें स्पीकर्स की तो वो भी काफी अच्छा था। तो अगर आपको 10,000 में एक ऐसा फोन चाहिए जो सारे काम कर दे आपके, कॉलिंग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और उसके साथ साथ आप जो है अच्छी गेमिंग भी कर पाओ स्मूथ अल्ट्रा पे, सिर्फ HD पे हाई पे नहीं। और इतना था इस वीडियो में गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।